बीजेपी ने दावा किया है कि वो बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना भी जीतेगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि राज्य में अगली बार सरकार बीजेपी की ही बनेगी। तेल कीमतों को लेकर विपक्ष के हमले पर दिलीप घोष ने कहा, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ते और घटते रहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और बंगाल भी सबसे अच्छा रिजल्ट करके उनको देगा। पार्टी ने भी पूरा ध्यान दे करके उसकी तैयारी कर रही है। हम भी पिछले 2 साल से शुरू किया था, पिछले 1 साल से काफी तेजी से काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार जाके आए हैं, और जो 3 सभाएं हुई है वो ऐतिहासिक सभा हुई है। आज बंगाल में किसी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी बड़ी लाखों की संख्या में सभा बना सकती है। डीजल पेट्रोल का दाम पहली बार बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, हाँ बढ़ रहा है ये तो निश्चित है। उसका निदान तो निकालेंगे सरकार, समय है अभी, लेकिन सरकार ने जो पिछले 4.5 साल काम किया है उसका जो उपलब्धि है, वो सारे बातों को लेकर हम लोगों तक पहुंचेंगे। अब कल कार्यकारिणी बैठक का दूसरा और अंतिम दिन है। खबर ये समझिए कि आखिर बीजेपी के महाबंधन मंथन पर सबकी नजरें क्यों टिकी हुई हैं? तो SC ST एक्ट को लेकर हो रहे आंदोलन पर महामंथन में चर्चा होगी, और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी बीजेपी की बैठक में चर्चा होगी। पार्टी NRC और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी चर्चा करेगी। सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने पर भी चर्चा होगी, जोर होगा। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के विस्तार पर भी बैठक में चर्चा होनी है।